नमस्कार दोस्तों भाई, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आपकी लगातार जो आदमपुर चुनाव का अपने सर्वे देने का काम कर है, आपने बहुत प्यार दिया उस चीज़ में भी, लेकिन ये फिलहाल की बात करा तो जो है सरपंच और जिला परिषद की जो है डेट आ चुकी है। आपने पता भाई 22 तारीख को जिला परिषद का चुनाव वोटिंग होनी है, 25 तारीख को सरपंच की वोटिंग होनी है। वार्ड नंबर 22 के गाँव डाड में पहुँचे हैं, तो आज उसी के गाँव में डैड गांव में पहुंचे हैं, क्योंकि यह चीज़ पता करने खातिर भाई डैड गांव में उसका किसा समर्थन है, क्या कर रहे हैं बड़े बूढ़े, कहा कर रहे हैं कि भाई पहले घर मजबूत चाहिए। तो गांव डैड में पहुंचे हैं, डैड गांव के कुछ बुजुर्ग मेरे साथ मौजूद है इस वक्त, इनसे ही बात करांगे। राम 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 भाई। राजेश बैनीवाला की बात करा, राजेश बैनीवाला का गांव डैड में के कुछ माहौल है, किस तरह कितना के कुछ है भाई? बाबा बिचारपुरी में इकट्ठे हुए थे सारा गांव, 100% का 100% राजेश बैनीवाला के साथ है। 100 का 100 उतर जाएगा? 100 का 100, बिल्कुल 1% भी कमी नहीं। 100 का 100 तो तब हकड़िया ही नहीं उतरे, आज खुली वोटिंग कराओ भाई। मारा बाबा का जो सी बात आ कर देनी, कोई भी इंसान नाइट नहीं सकता। अच्छा। हाँ, वहाँ बाबा इकट्ठे हुए हैं। अच्छा। और 100 का 100 समर्थन इसको मिला है। राम 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 राम। क्या विचार आता फिर? विचार से ये हुआ है बात से, बाबा बिचारपुरी वाला उस दिन इकट्ठे हुए थी, सारा छोटा बड़ा पूछा था। अच्छा। कोई और तो खड़ा होता हो बोलो। अच्छा। कोई नहीं, और नहीं सारा गांव ने चुच्ची बच्चे ने इस तरह न्यारा एक वोट भी नहीं। अच्छा, अच्छा। या सलाह कर ली? हाँ, सारे ने। और बिचारपुरी आला चौतरे में जो कर दिया नहीं, 50 साल लगाऊगी बात बताएगी, एक भी नहीं टड़ी। अच्छा। उसका नाम लेके तो आज की भी कर ले वह पूरी हो। और गामा का तो के विचार लागे जाओ तो सारी जान गल जाओ है। और गामा में सारे गामा में इसका समर्थन सबने कर रखा दल सैनिकों और किमे कहे जाओ। अच्छा। हर बल किसका समाज का शाबत है, समाजी के छोरा से है हर और ईसा बालक नहीं से, सारे अपनी अपनी रोटी सेक जो आपकी रोटी नहीं सेकता सरू तो लेके सरपति की वोट पड़ेंगे उसमें कोई असर ना, कोई असर नहीं इस वाला, कोई असर नहीं। महाराज जी एक बार उर श्री आज उर श्री एक बार आइयो जी एक बार एक बार। लो भाई महाराज जी है, इनते ही पूछ लिया सारा सवेरे सवेरे। अंड महाराज जी प्रणाम। प्रणाम, नमो नारायण नमो नारायण। तो आप सारा गांव में सवेरे सवेरे जाओ, राजेश बहनी वाले आड़ तो एक जिला परिषद उठ रहा है, किसा के मोल लग गए? हमारे तो गांव डाड में सारे तकरीबन 100 के 100% राजेश बहनी वाले के हैं, और भी गाँव के भक्त हैं, डाटे तक भी आए हैं, गुराना ते भी आए हैं, उसके गाँव तक भी ब्यान खेड़े तक भी भगत आवे मेरे पास यहाँ पर डेरे में, बाबा विचारपुरी के डेरे में सारे भगत इसके गल्ले हैं। हाँ, जो भी इसकी इसके धर्म कर्म की वजह से ही यो विजय होगा। आपका आशीर्वाद? हमारा आशीर्वाद इनके साथ है जी। धन्यवाद। तो राम 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 राम। के कुछ विचार है फिर गाँव का? भाई गांव का तो माहौल एक तरफ है, सर्वसम्मति से सती बिरादरी ने ये उठाया। जिला परिषद के ऊपर सरपंची का बड़ा मतलब असर पड़ा करा कि क्यों अगर उस बगड़ का ने वोट कौन दी, उस बगड़ का ने उस चीज का के सरपंची के विरोधी है ने, जो वे भी राजेश भाई को वोट देंगे। अच्छा। यह चीज पहले खोली में कोई सरपंच उठो सके खोली थी ये बात पहले। 2 साल तक लगातार राजेश मेहनत करने लग रहा है, के लग है और गामा तक किसा रिस्पॉन्स मिला? सामाजिक छोरा, गरीब के हित में काम करने वाला, गांव का विकास करने वाला, सारे गांव ने इस पर विश्वास है पूरा, जब उसका कोई विरोध हो वो भी इसको वोट देगा। चुनाव तो पहले, चुनाव में उठने तो पहले गांव में किसा का सुख रहा है, मतलब ब्याह शादी में सुख दुख में खूब जहाँ भी इसको सारे अंतरित करें, दड़ भी फंक्शन हो उत्सव हो वहाँ दानी छोरा भी है। हाँ, गरीब की मदद भी करता है बिल्कुल। राम राम भाई। क्या कहना चाहोगे राजेश बहनी वाले? राजेश बहनी वाला दानी छोरा है, सारी बातें गांव के लिए बढ़िया, चाहे बैर गुआंड के लिए कड़िया भी थी बेरा पट जो मतलब ओड़ो चीज जी लाग रही है, कोई में धर्म मना कि मड़ो ओड़ो दे के आओ है। ईब की बात करा, ईब तो दे के आओ है, सुख दुख में पहला किसा का करता 2 साल पहले दिन का, पहले दिन का, आज की बात नहीं पहले दिन का। बहुत बढ़िया छोरा है हमारा गांव की, सरो समिति तय बाबा डेरा में और सारे ना हाथ आए कि नजीन बात करी थी, बोला और उठ दो जो उठ लियो हमें तो रख लगा भाई। मतलब बाहर के जो कैंडिडेट उठ रहे, गुराना तो उठ रहे हैं दो, और डाटा तो भी उठ रहे हैं, शिशा तो भी उठ रहे हैं, उनकी वोट को नहीं काम गाँव में माल तो शायद दिखता को नहीं, तड़े तड़े को जाएगा जी वह बात की है कहा था भाई वाह के बेरा पटे है। हाँ, तो जी राम 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 राम।
वोट वाटा के विचार राजेश जमा ठीक है वोट सारा काम कर ला है राजेश का गला है हां राजेश कर ला जमा पल्ला गांठ मार रहे हो जमा पल्ला मार तो भाई फिलहाल तो है लगातार अपने पूरे गांव के चारों तरफ जाके प्रयास करेंगे वे सब तक जानकारी लेवा एक आधा आदमी तो टोवांगे जरूर कोशिश करके कौन को राजेश बैणी वाला तन्यारा भी पावा कितने वोट है जी टोटल गांव में भाई हैं 2300 वोट है 2300 वोट है अगर बात करें राजेश बैनीवाल का खुद का गांव में 2300 वोट है लेकिन डाट का जो कैंडिडेट है उसके वोट 7100 वोट है तो के मानो आप मान ले इसने भाई एक बात और है राजेश बैनीवाल जहां भी मतलब वहां का खड़ा है नहीं वहां भी टक्कर दे रहा है और हमारे गांव में तो 100% वोट है हैं डाट में भी टक्कर बिल्कुल जी 100% टक्कर है जी हां आताओ जी गलर है हमारा है पट्टम तो सरो सहमति ही होगी डाटम तो हमने करके जोड़ ना 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 कड़िया को मारा गला ई तो देख लिए तो जड़ाना है ओड़ा देख लिए हां गला 25-30 आदमी गला काफी लम रखो हां गलर है क्या बात सच्ची बताओ बिल्कुल जमा तम दिखाए दे तुम कितने वोट काट लोगे डाटम में फाइट में यू है राजेश और कोई इसके फाइट खानपुर में जाए ओड़ा देख लिए डाटा वाले गला है अच्छा खानपुर में अच्छा बाणे खेड़े में एक तरफा मोला हाँ ये इसकी जीत है तकड़ी जीत है राजेश की और कौन सा काम है जो जो एक तरफ ही लीड देता हो जहाँ भी जावा नहीं और इसका खूब मान सम्मान है जहाँ कैंडिडेट नहीं खड़े हुए वहाँ राजेश बैनवाल के 80% वोट हैं हमारे गांव से नारे हमारे तो 100% है हैं और जहाँ कैंडिडेट खड़े हैं वहाँ फाइट दे रहे हैं हाँ जी तो भाई और भी चलेंगे और वीडियो लंबी हो जाएगी गांव में चुगरते जाने की कोशिश करेंगे और राजेश बैनीवाल डाड का गांव खुद का गांव है के कुछ माहौल है कितने वोट उरे हैं और कितने वोट राजेश ले लेगा वह चीज़ आप कोशिश करेंगे ये तो राम 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 भाई राजेश बैनीवाल तारा गांव का कैंडिडेट से हाँ के कुछ लग गए गांव में कुकर गांव में सीधी जी से आदमी को डले ना दिखता भी गांव में कितने वोट ले लो गांव में तकरीबन सारे नहीं लगता मन नहीं उनका खिलाफ से अच्छा हाँ। सारे दे दोगे सारे टोटल मुश्किल है तो भाई पूरा सर्वे करने की कोशिश करेंगे अपने दिखाते रहो साथ में जुड़े रहियो तो भाई दूसरी साइड में आए हाँ ये फिलहाल कड़े मांगाली गली में आ गए भाई मांगाली गली बताओ भी कुछ बड़े बुजुर्ग बैठे हैं उनसे ही पूछांगे राजेश बैनीवाल का के कुछ माहौल है के कुछ दूसरे कैंडिडेटों का माहौल है नमस्कार जी नमस्कार भाई गांव में राजेश बैनीवाल कैंडिडेट उतार रखे के कुछ है गांव में तो कितने वोट ले लेगा गांव में एक तरफा है सारा एक तरफा हाँ सारा काम इकट्ठा हो गया मंदिर में सब नाम भरी थी और राजेश खड़ा है उस दिन उसने पूछा भी था को भाई खड़ा होना चाहता वो तो मतलब मैं बैठ जाऊंगा तो सारा काम की सहमति से खड़ा हुआ था और सारा काम कर रहा है टोटली एक चीज़ जो आ गया जो सरपंची का मामला जब बीच में जा रहा नहीं फिर वोट पटने शुरू हो जा रहा है उसका कोई सर ना सरपंची का कोई मैटर को नहीं इसके बीच में यू काम ना सर्वसमिति था के कुछ लग गया राजेश बैनीवाल क्योंकि देखो हर गांव में कैंडिडेट ही बात करा डाटे की डाटा में भी कैंडिडेट उठे लेकिन और तो राजेश बैनीवाल वोट ले है कवा गांव वाले तो तारा गांव में तो कैंडिडेट है तो तारा गांव में तो ही बैठ जाऊंगे वोट नहीं बिल्कुल भी नहीं जाएगी कारण सर्वसमिति तो ठहरी है गांव में मंदिर में इकट्ठे हो गए अच्छा नेम कर रखे हमने कैसे जाएंगे नहीं हम तो देव है हमारे गाँव वाले इच्छा यही है हर एक समाज सेवी है अच्छा बढ़िया कैंडिडेट है आजा, आजा, आजा। इस राजनीतिक मैदान मान तो पहले की अगर बात करा सुख दुख में रहा बीच में बिल्कुल रहा भाई साहब क्या विचार है भाई विचार तो ये है महाराष्ट्र बता दे तेरी पहला तो चुमार मई अच्छा महाराज पहले तो पंच से अच्छा और जो जड़े जो गेड़ा का नहीं ओड़े पढ़ने तैयार मतलब तारा सारा समर्थन हाँ ये ही मेरा प्रोग्राम है क्या कुछ है मतलब सुख दुख में तारा है या फिर मत भाई मारा तो यह है जे दत्ती मारा लग गए लोग उसके निकले अच्छा हाँ यू सुख दुख से तो ले लेता इतना प्यार प्रेम हाँ अगर दूसरे कैंडिडेट की बात करें गांव में कि वोट भाई दूसरा कैंडिडेट की बात करें नहीं आपने एक बात बताऊँ मैं मामले कोई इतराज नहीं आओ जाओ सब भाई की इज्जत करा है लेकिन मारा कैंडिडेट है ये और कोई कुछ सवाल को भाई साहब भाई हमें राजेश के साथ तन मन से है पूरा गांव है मतलब
हम राजेश को पूरा सहयोग करते हैं। दूसरा भाई आओ बेसन तक पूरा सहयोग है, उसका चाह पानी पियावेंगे, बाकी वोट नहीं है भाई, वोट को नहीं, राजेश के वोट है बिल्कुल पूरा गांव है। हर तन मन से अभी भी दौरा लगावेंगे, खानपुर में जा रहे हैं, तैयार होने जा रहे हैं, एक बजे निकलेंगे यहाँ से, बिल्कुल राजेश के साथ है। 2200 वोट है, 2200 वोट है, हाँ को 150 खराब शराब तो भेजेंगे जो बाकी पूरे पूरे उतर गए, बाकी किसी का गलती खराब होंगे, खराब हो गए जानते नहीं किसी का, बाकी गलती में मोर लाए जे को पिट जे, बाकी और नहीं जानते कहीं। ताऊ जी बड़े बूढ़े हो कड़े उड़े हो, बड़ी देखे इलेक्शन है, बड़ा तैयार से हमें इस एक तरफा जतावांगे। अच्छा राजेश ने एक तरफा सोच ली, पहले सोच ली हमें पर्ची कटाई राजेश के हाथ में दे देंगे, बेटा का दागत ठीक से राजेश पे गिड़वाओगे, राजेश पे गिड़वाओगे ले बेटा गेट का दागत, अपने वोट तो आप गेट दे, मैं गेट दूसरा राजेश गेट दूँ। अच्छा बड़े प्यार से जितावा खुली है पोलिंग मान के चालू कर दो, हाँ खुली खुली मेरी आता मैं तो खुली करूँगा। अच्छा हाँ, और बड़ा पूरा तो जितावा कौन सा जिया है गाँव में, गाँव में तो जिता दो के लग पूरा इसमें तो वार्ड में देखो जी सारा सूत्री विचार दिखा। अच्छा सारे गाँव में सूत्रा विचार दिखा है। अच्छा और मारा तो एक तरफा मान के चाल। अच्छा अच्छा आपका थोड़ा तर अपने डेड गाँव का सर्वे दिखाने लग रहे हैं के कुछ मोल है, वार्ड नंबर 22 के अंदर यो गाँव आने लग रहे हैं जी। नमस्कार। नमस्कार भाई, आपके सारे साथियों को भी नमस्कार, सारे दर्शकों को भी राम राम। के कुछ है जी वार्ड नंबर 22 में गांव डेड का खुद भी कैंडिडेट उठा रखे है, के कुछ लग गया गांव का केस निकल रहा होगा? बात बता के है, गांव और गुआंड की बात नहीं है, बात यह कि एक भाई हमारे गांव का जो बहुत दूर बिजनेस करता है, वो अपने बिजनेस में से भी टाइम निकाल के इस एरिया के विकास के लिए काम कर रहा है, उसमें बार डाट गाँव की गुराना गाँव की डाटा गाँव की नहीं है। इस बार का जो इलेक्शन है ना, इस बात पे वोट नहीं पड़ रहा कि ये बड़े गांव का आता है मेरे गांव का है या मेरे कुनबे का आदमी है, इस बात के लिए वोट पड़ेगा। युवा साथी समझते हैं कि विकास कौन करवा सकता है, बच्चों को रोजगार के लिए लाइब्रेरी का प्रबंध कौन करवा सकता है, कोचिंग का प्रबंध कौन करवा सकता है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, गांव के काम बड़े मुद्दे हैं, इसलिए सारे लोग उस बात को भूल के कौन बड़ा गांव है कौन छोटा गांव है उस चीज़ की कोई इस बार चर्चा नहीं है, चर्चा केवल इस बात की है कि सबसे ज़्यादा विकास कौन कर सकता है, हमारा भला कौन कर सकता है, उसमें गाँव डाड है, वो हमारा सौभाग्य कि वो हमारा गाँव का भाई है और इसलिए वो सबसे आज आगे है और गाँव में तो कोई दिक्कत नहीं, उन्हें गुआंडों में भी दिक्कत नहीं है। हम तो ये सोचते थे वो भाई MLA के लिए लायक है, लेकिन वो अपनी तरफ से सोच रहा होगा भाई मैं जिला परिषद से चुनाव शुरू करूं, कोई दिक्कत नहीं इस गांव में और ना उसको गुआंडो में दिक्कत है। आपने बात करी बिजनेस की, बिजनेस कर दे मतलब बाहर बिजनेस करा, लोग बीच में कितना करा है सुख दुख में? अब तो उसने सारा काम में उनके जो साथी हैं स्टाफ के वो काम संभालते हैं, तो 24 घंटे यही काम पर लगा हुआ है और आने वाले टाइम में भी उसने ये कहा है कि भाई ये जो समाज ये लोग जो मेरा सहयोग करेंगे जितना भी करेंगे उसके बाद मैंने यही सेवा करनी लोगों की। बिजनेस में जो पैसा कमाना था वो तो सारा कुछ हो लिया, वो तो वेल सेट काम है, वेल सेट काम होने के बाद तो जो स्टाफ होते हैं वो भी लोग काम करते रहते, उनका जो शुरू का संघर्ष था मेहनत थी उन्होंने कर ली कई साल, अब तो उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, उसने तो अपने नाम के लिए और एरिया के नाम गाँव के नाम के लिए उसके लिए काम कर रहे हैं। जब काम अच्छा करेगा गाँव का नाम होगा एरिया का नाम होगा, उसी बात के लिए वो भाई काम कर रहा है और मेरे गारंटी देता हूँ आप सारे कैंडिडेट को बिठा लेना, उससे ज़्यादा विकास की सोच रखने वाला, उससे ज़्यादा युवाओं की सोच रखने वाला कोई भी कैंडिडेट नहीं होगा। कैंडिडेट का बात होती है कि उसका विजन क्या है, उसकी सोच क्या हो, क्या करना चाहता है। बहुत से लोग जिसे चाहते हैं भी जिनको शूट आ जाए और हमें ठेकेदारी में पीछे कमा लिया, उन्हें जरूरत नहीं, उसको पहले पैसे इतने ज़्यादा हैं, पैसे कमाना उसका कोई लक्ष्य नहीं है, उसका लक्ष्य एकमात्र राजनीति में आके सेवा करना है, वही राजनीति का मेन एजेंडा होता है। सारे गाँव में तो न्यू गोहर राजेश बैनी वाला वोट काट देगा, तो थोड़े बहुत तो और कैंडिडेट भी डाटाला की बात करा, शीशाला की बात करा, गुरुनाला की बात करा, वह भी तो काट देंगे गाँव में। हमारा गाँव में नहीं, बाहर का एक वोट बीच को कि मैं कह जाओ। अच्छा हाँ, एक वोट फाइनल जमा, एक वोट नहीं पड़ता उरे किसी का। चलो भाई अंदर भी कुछ और बैठे हैं बुजुर्ग, उनसे भी बात करांगे के कुछ पूरा मामला किसने के कुछ वोट देंगे, चाय पीने लग रहे आराम तय, एक बार दिखा दे भाई तब राम राम। तो भाई लगातार आपने दिखाना लग रहे हैं भाई राजेश बैनीवाल डार्ड का गांव में के कुछ माहौल हो रहा है, किस्ती कितना के कुछ आशीर्वाद मिलेगा, वह चीज पूछने का प्रयास करें तब राम राम। राम राम भाई। राजेश बैनीवाल का के माहौल है गांव में? पूरा माहौल है भाई, सर्वसम्मति से ठा है, खुद उठे सर्वसम्मति से। तो वोट कितने के दे दोगे? सारा काम देगा,
100% देंगे हम हमारे हिसाब से, तो जिसने नहीं गिनना उसका केस अब टोटल गांव इकट्ठा हो गठा है। और बोलो हाँ जी भाई, छोटा ले गए बड़ा तो उसका समर्थन में है, सारा गांव ने मिल के ठा है 2500 वोट से, गांव गुआंड जब भाईचारा रिश्तेदारी सारी इकट्ठी होगी गल लाएगी रही भाई। बात ऐसी होगी कोई सवाल तो बनता है कि नहीं, अगर माइक मुंह आगे करना नहीं पूछना है के राय है किसती वोट दे, क्योंकि सवाल तो बनता ही नहीं कि मैं जद नहीं कह दिया 100% वोट उसके हैं। हाँ जी नुए है भी सारे राजी है, सारा गांव राजी है। अच्छा हाँ कोई दिक्कत नहीं भाई, सारे राजे इस पर खुश हैं, सारे गांव ने मिल के ठाया है, एक एक वोट उसका पोल होगा। आदमी की साक्षर बड़ी आदमी है, सामाजिक आदमी है। हाँ भाई सारा गांव उसकी चाव है। हाँ पढ़ा लिखा लड़का है, शरीफ बहुत बढ़िया सोच समझ का। आपने नहीं कहा उन कहना देवा, कई बार क्या हो जाए की कई बार क्या हो जाए गांव ने जो नाम टेक दिया होना तो उसके खिलाफ नहीं, खिलाफ होने बढ़िया छवि है इस बात देवा बुहार के कारण इसी गांव ने इसका नाम धरिया है। पढ़िया लिखा बहुत समझदार लड़का है, इसे करके इसका चयन करे गांव ने। अड़ोसी पड़ोसी गुआंडी भी उठ रहे हैं, उनकी के कुछ दोगे ना? हमें मारा लड़कन देवाए भाई, माम ने पूरा गांव ने रजामंदी तो उठाया है, मारा लड़कन देगा पूरा गांव। हाँ जी ताऊ जी, मारा राजेश ने देगा सारा गांव। अच्छा हर पढ़िया लिखे हर कट्ठे है ना ठाया से। फाइनल सोच रखी है, फाइनल मदद भी करवा रहे चीज में, कोई सदला काम हो सही भी करवा ले बिना। हाँ सारा गांव इकट्ठा हुआ था भाई, सारा गांव का फैसला ये है कि राजेश को वोट देंगे। अच्छा है सारा गांव सहमत है और अच्छा लड़का लायक लड़का है। सरपंची वाला सर कौन पड़ा गए सरपंची का न्यू कायदा कर रहे उस साइड तो उन्होंने वोट कौन दिए तो हमें भी कौन दिया। सरपंची वाला तो उन्होंने अपना हिसाब किताब कर रखे है। अच्छा जिस तरह अपना उन्होंने अपना जुगाड़ बनाया है ना, इसी तरह वहाँ हमारे को वोट देंगे। अच्छा उनके अपनी हिसाब किताब से दे रहे हैं भाई। सरपंच है क्या कुछ ये सारा काम राजी है भाई, सारा काम राजी सारा। सरपंची का इलेक्शन अलग से है और जिला परिषद का इलेक्शन अलग से है, जिला परिषद के वोट हमें राजेश ने देंगे। अलग तो है लेकिन एक बात आपने ही बेरा है, उम्र दराज हो आपने सारी चीज देखी है, यह चीज कुने जा रही उन्होंने तो वोट भाई सरपंच के उस तो ही दिए हैं वो वोट कुने आवा। ये तो हमें सोचते ही नहीं, कोई सोच नहीं है, राजेश ने वोट देंगे और खुश हो के वोट देंगे। ये तो ना न्यू बेरा होगा उसके खिलाफ में उसके टब्बर दिन के खिलाफ पड़े मेरे है तो दूसरा सरपंच खड़े इस बात का नहीं, हमें बतावा फिर सारे कह रहे वोट राजेश ने देंगे। मतलब तो हमें वो हो जो राजेश का परिवार में सरपंच उठे उसका दूसरी तरफ परिवार के हर वोट राजेश ने देंगे, फिर भी राजेश को देंगे। यो एक बिल्कुल ओके सर हुए हो गया है क्योंकि आप सुगरदा गांव में घूमने लग रहे हैं, इससे ज्यादा मतलब दूसरा सर्वे आपने नहीं पावा क्योंकि इस पक्ष में खड़ा हूँ जिस पक्ष में राजेश बैनीवाल का परिवार का भी सरपंच खड़ा है, आड़ते भी सरपंच खड़ा है और ये लोग फिर भी राजेश बैनीवाल का गला है, यह चीज आप देखने लग रहे हो, यह चीज दिखाने लग रहे हूँ अपना। हाँ जी भाई, हाँ जी भाई, बहुत बढ़िया भाई, क्या कुछ करोगे राजेश का की बात? राजेश खतर है भाई, तनमंदन से गला, तनमंदन से बिल्कुल पूरा गांव, पूरा गांव। अच्छा उन्होंने सरपंचिया कैंडिडेट ठहर के वही बात नहीं, कोई बात नहीं, यह एक लड़ाई अलग से है, राजेश की अलग से है भाई, यह भी एक मिसाल कायम होगी गांव में क्योंकि देखो यह चीज सबसे ज्यादा देखने मिला है भाई, उनने वोट उनती गुंदी, उनने वोट उनती गुंदी, यह चीज बड़ी चला लेकिन इस गांव ने यह भी एक मिसाल कायम करना है, काम कराया। ताऊ जी अब बिल्कुल पूरा गांव देगा भाई। अच्छा हाँ और कोई किसे राह का ड्रेस नहीं, सरपंच का को ब्लॉक समिति का कोई तबादला किसी का नहीं, कोई बनो कोई बनो भाई, कोई जरूरत को नहीं, सारा काम देवे माहौल पूरा है बाहर के काम में, जहाँ दो खड़े तीसरा मुकाबला इसका है। अच्छा दो खड़े है तो रिश्तेदारी है नहीं बाहर, हाँ मैं उन पर पूरी कोशिश करे हूँ उसके उनके वोट ले आवांगे। हाँ मिले गाँव का समर्थन बाहर गए हनी, कहीं कैंडिडेट और हमारे वोट सारे गाँव डाटा में कितने वोट कर लोगे? डाटा में जिसका काम से नहीं उसके शब्द अच्छे देंगे और बोलो। अच्छा बढ़िया कैंडिडेट के मुकाबले गुराना में दो कैंडिडेट छोड़ा भी उम्मीद। हाँ गुराना में उम्मीद के पक्के और बोल पक्के जमा और बोल हाँ वोट ज्यादा खर्च ताला लगवा दियो मारा मिला गुराना में हमारा घर भर का काम है, जिस तरह हमारा डाइट पे पकड़ है नहीं गुराना हमारी नहीं हुई पकड़ है, गुराना का पहले जो जीतिया था नहीं जिला परिषद उसमें हमने पूरा सहयोग दिया था।
शिशाए में भी मारे वोट्स हैं, मारी जितनी रिश्तेदारी है इन गाँव में, मारा पूरा गांव पूरा जोर लगा रहा। मतलब कहना मतलब ये ओवरऑल मतलब हमें काट लिया होगा इसका डेड जिला परिषद। अरे बैन खेड़न तो हमारा पूरा समर्थन कर रहा है। अच्छा, बैन खेड़न खुला समर्थन कर, खुला समर्थन कर दिया। तो दोस्तों भाई लगातार जुड़े रहिए और भी एक दो जगह जाने का प्रयास करें। डेड गांव का निचोड़ देवांगे अपने, आखिरकार निचोड़ के है, उसके बाद सारे गाँव में जावांगे, आठों के आठ गाँव का सर्वे आपने दिखाने का काम करें, कौन कैंडिडेट कितना भारी है। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ दोस्तों। ही पहुंचे हैं भाई, जो यो एरिया आ गया चमारा का एरिया बताऊं है, उरे सारा पूछांगे के कुछ है और भी गांव का सर्वे आप देने लग रहे भाई साहब। राम राम भाई साहब, के कुछ माहौल है गांव का? वार्ड नंबर 22 में कैंडिडेट, वार्ड नंबर 22 में कैंडिडेट ठहर के भाई राजेश बेनीवाल। अच्छा, गांव डेड में पूरा का पूरा एक तरफा इलेक्शन है। के कारण एक तरफा करना? कारण ये है भाई, नौजवान साथी है भाई, काम करने के इच्छुक है, बहुत बड़ी आदमी है। गुआंडा में तो भी उठ रहे हैं कि? हाँ, गुआंडा में तो भाई साहब गुराना से भी उठ रहे, डाटा से भी है, शीशाए भी से, सभी गांव से। उनका क्या कुछ रहेगा गांव में? उनका कोई माहौल नहीं है हमारे गांव में, वोट को नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं। ताऊजी राम राम, के कुछ लग गया राजेश बेनीवाल राजा जीतता गांव डाइट गांव सारे वोट के 50% ने सारे वोट डाइट गए राजेश के। क्या था और गुआंडा वाले उठ रहे हैं उन्हें दे किधर दिमाग ना दिया हमने किधर हम सब मारा काम रहा है। हाँ हम तो राजेश ने देंगे गांव वाले भी वोट देंगे, दे गांव का उठ रहे हैं तो गांव वाले भी वोट देंगे। हमने कहा था ना, हाँ और हमने जोर धरे हैं खूब जोर लगे गुआंडा में भी, नो कहा भाई राजेश की वोट दो। अच्छा, जमा वहाँ जुट लेना ईमानदार वफादार साफ सभी का। कौन सा काम बचाओ? मेरा काम बेना खेड़ा। के कुछ विचार फिर तुम ही बता दे। मेरा काम है अपना तो बुरा ही पूछ ले काम की पूछ दोनों में बता दे। मेरा काम आयद टप जाएगा राजेश बेनीवाल बेना खेड़ा में। अच्छा, और उरे की क्या लागत है ना काम? उरे तो क्लियर है फिर। अच्छा, उरे तो एक तरफा होना चाहिए। अच्छा, जो उरे आदमी डेगेगी नहीं फिर रहिए कौन? बेना खेड़ा में इतने वोट को कर लीजिएगा की कारण? सादगी है, आदमी आदमी देखा जाए, एक आदमी तो ईशाओ भैया बात कह दीजिए वह पक्की है। अच्छा, हर एक आदमी ऊँटी सड़ा है जो दी। अच्छा, फायदा तो कोई नहीं। अच्छा, यो कारण है? यो एक कारण है, कैंडिडेट ने वोट ना दो। अच्छा, आदमी देख के वोट दो। एक भाई सारे आओगे मिस्त्री लाई रहे उस तरह बात कराएंगे दुकान में जाके। भाई साहब आइए थोड़ा और ना, आइए आइए थोड़ा। तो अरे मतलब वोट कौन देता फिर तो राजस्थी तो फिर तो शामी कहते कौन देता श्यामी कहते कौन देता तो उरा आगे कह दिया बात है उरा आगे कह दिया कैमरा बंद तो भाई यो पूरा सर्वे आप तीन दिखाने का काम करें आपने के लगा है पूरा गांव डेड में गए। हाँ लगभग लगभग ओवरऑल उरे की बात करी जाओ तो एक भी कैंडिडेट एक भी आदमी सा हमने नहीं मिला जो राजेश बेनीवाल के खिलाफ बोलिया हो या फिर किसी और कैंडिडेट का पक्ष कराया हो। पूरा गांव में चारों तरफ जाने का काम कराया है तो आपने के लगा है कमेंट करके राय जरूर दें और भी गांव में सर्वे आप देने का काम करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।